वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. इस वीडियो में मैं टेलीग्राम पेड ग्रुप में जो भी रिपोर्ट क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ या देने वाली हूँ उसकी लिस्ट मैं प्रोवाइड करूँगी और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको तीन लिंक आप मिलेंगे. वैसे तो बहुत सारे लिंक हैं मगर यदि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए तो आपको तीन लिंक मिलेंगे. ऐसे क्वेश्चंस के लिंक मिलेंगे जो टेलीग्राम पेड ग्रुप में चल रहा है, रिपोर्ट क्वेश्चंस और आर्गुमेंट क्वेश्चंस, और इसके आंसर्स भी आपको एक महीने बाद रिलीज कर दिए जाएंगे. मतलब से अप्रैल 25 तक इसके आंसर्स भी रिलीज हो जाएंगे, मगर तब तक आप अपने खुद के कंटेंट बिल्डअप करने की कोशिश करो. अब स्टूडेंट्स, इसमें जो रिपोर्ट क्वेश्चंस है उसका मैं पहले फॉर्मेट बता दूँ, क्योंकि फॉर्मेट स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं. अभी मैं जो ग्रुप में भी मैं देख रही हूँ फॉर्मेट की प्रॉब्लम कर रहे हैं. और आर्ग्यूमेंट का अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप ना मेरे प्लेलिस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस 2020, उस प्लेलिस्ट में आपको वैसे रिपोर्ट के, आर्ग्यूमेंट के, ये सब के फॉर्मेट आपको दिख जाएंगे. मगर रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो मैं पहले आपको दिखा दूँ. ये है एग्रीकल्चर एमिशन. इसका जो एक तो हेडलाइन हम देते हैं तो हेडलाइन में स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम करते हैं कि हेडलाइन को अंडरलाइन कर देते हैं, सिंगल कोट में डाल देते हैं. यदि आप न्यूज़पेपर देखोगे तो न्यूज़पेपर में भी हेडलाइन होते हैं जिसको हम हेडिंग भी कहते हैं. तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन या हेडिंग कभी भी अंडरलाइन नहीं रहता है ना सिंगल कोट में रहता है, तो आप क्यों दे रहे हो. और उसके बाद ये है प्लेस, ये डेट है ऑफ ए बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट. तो यहाँ पर प्लेस में आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी ये सब भी लिख सकते हो. और अगर और कोई प्लेस अगर लिखना है तो सिर्फ दिल्ली लिख सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी प्लेस नहीं लिख सकते. हाँ, एक और चॉइस से जहाँ पे कोई अगर इंसिडेंट रिलेटेड रिपोर्ट क्वेश्चन है तो आप प्लेस में जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो प्लेस आप मेंशन कर सकते हैं. और डेट आप बहुत ढंग से दोगे, 5th July JULY 2020. अब जैसे फेब्रवरी देना है FEB, अरे भाई इतना शॉर्टकट क्यों अपना रहे हो, ठीक है, ये काम नहीं करोगे. और कॉमा वामा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है. अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है तो अब कॉमा ये सब ओल्ड फैशनड है. ओके, तो कॉमा नहीं दोगे. यहाँ पे बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट मैंने लिखा है तो करस्पॉन्डेंट के स्पेलिंग स्टूडेंट गलत कर रहे हैं तो वो नहीं करोगे. आप लोकल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, आप बाय एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइन, अब चलिए हम मैंने रिपोर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो पहला जो रिपोर्ट क्वेश्चन है वो है प्रोविजन फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो इस बार जो क्वेश्चन आया था 2020 के एग्जाम में वो आया था प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन. इस बार मैंने हायर एजुकेशन दिया है. इसमें स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है हमारे ग्रुप में, तो इसमें स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम कर रहे हैं कि पूछा गया है प्रोविजन्स, तो आपको सिर्फ प्रोविजन पे आपको लिखना है. रिपोर्ट क्वेश्चन का जो आंसर्स होते हैं ना वो आंसर्स सीधे हिट करते हैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर आंसर. मतलब फर्स्ट सेंटेंस जो है आंसर का उसी, मतलब वहां से ही रिपोर्ट क्वेश्चन को हिट किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना. अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं बोलते हिट करने का मतलब क्या है, डायरेक्ट आंसर कर दो. अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहला एक हिस्ट्री बता रहे हैं, पहले 1968 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, फिर 1986 में आया था, 1991 या 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, अब फिर 2020 में आया. ये एक लैंडमार्क है, ये एक हिस्टोरिकल मूव है. अरे ये सब क्यों बता रहे हो, आप अपने वर्ड्स वेस्ट कर रहे हो, सीधे प्रोविजंस बताओ. और वैसे भी मैंने बताया हुआ है कि रिपोर्ट में हमेशा तीन पैराग्राफ होते हैं. आप 2020 वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप 20AC01 बहुत सारे रिपोर्ट के आपको मिलेंगे वीडियोस, तो उसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि रिपोर्ट क्वेश्चन में तीन पैराग्राफ होता है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना. इसमें मैं नहीं बता रही हूँ वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए. और फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एमिशन इन इंडिया. तो इसमें एक तो इंडिया है तो आप इंडिया स्पेसिफिक ही रहना, मगर आप इसमें कुछ बता सकते हो. जैसे मैंने अपने में इंक्लूड किया है चाइना के बारे में, बस एक लाइन मैंने बताया है कि पूरे में सिर्फ चाइना ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एमिशन कर रहा है वो, अदरवाइज आप इंडिया स्पेसिफिक ही रहना. और मगर यदि आप सोल्यूशन में ऐसा देना चाहते हो, जैसे एग्रीकल्चर एमिशन के अगर आप आंसर लिखोगे तो एग्रीकल्चर एमिशन का आपको है ना, पहले तो एग्रीकल्चर एमिशन का आप डेटा दे सकते हो, कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर एमिशन हो रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये ग्रेव प्रॉब्लम है. डेटा देने से हमें पता चल जाता है कि इतना एमिशन हो रहा है. और फिर आप ये भी बता सकते हो कि सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर एमिशन क्या है.
और फिर उसके बाद जब आप सोल्यूशन देते हो, तो अगर किसी कंट्री ने कोई अच्छा सोल्यूशन अपनाया है एग्रीकल्चरल एमिशन का, तो आप वो दे सकते हो कि इंडिया ऐसा अडॉप्ट कर सकता है, राइट. मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक वाला टाइप का रिपोर्ट आता है, प्रॉब्लम बेस्ड, तो उसमें आपको कॉजेज इफेक्ट, वैसे ही है एग्रीकल्चरल एमिशन, ये भी प्रॉब्लमेटिक बेस्ड है, कहने का मतलब प्रॉब्लम बेस्ड है, तो इसमें भी कॉजेज इफेक्ट सल्यूशन, वैसे ही मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन है, इसमें भी कॉजेज ये सब आएगा, मगर डायरेक्ट हिट करो. अब आप मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन में आप ना इन्वायरमेंट पे आओगे, फिर क्लाइमेट चेंज पे आओगे, फिर मतलब इस तरह से मत करना, सीधे टॉपिक को हिट करना है रिपोर्ट में, ये ध्यान रखना है आपको. ये कोई ऐसे नहीं है जिसमें पहले हम भूमिका बांधते हैं और फिर हम लिखते हैं. ऐसे के जो आंसर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, और रिपोर्ट के जो आंसर्स होते हैं वो ऑलरेडी फुल्ली डेवलप्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि अच्छा इवॉल्व कर रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे, जैसे ऐसे में होता है, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट हिट करो. फिर है हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन नॉर्थ ईस्ट. ये जो मैंने लिया है हाइड्रो पावर पोटेंशियल, यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे, तो जो भी आपका ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत नदियां हैं, तो वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, ऑपरेट होते रहते हैं या कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं, राइट. मगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिया है, तो आपको खासकर अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा क्यों नॉर्थ ईस्ट को लिया गया है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा पोटेंशियल है क्या नॉर्थ ईस्ट में, आपको ये बताना पड़ेगा. और फिर इसमें आप ये भी बता सकते हो कि किस तरह से ये डेंजरस है और क्या क्या मतलब हर्डल्स है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने में नॉर्थ ईस्ट में, क्या क्या हर्डल्स हैं वो भी आप बता सकते हो, सोल्यूशन बताना वो भी बता सकते हो. इंडिया चाइना वाटर रिलेशंस, तो ये इसलिए लिया गया है क्योंकि कोई इस तरह से अग्रीमेंट कभी भी नहीं हुआ है इंडिया एंड चाइना का विथ रिगार्ड टू शेयरिंग ऑफ वाटर. तो आप इसमें चाइना क्या क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया और चाइना बहुत सारी नदियों को शेयर करता है, ये भी आपको पता है, तो उस शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और शेयरिंग जो हो रही है उसमें भी कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो उस शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, चाइना क्या क्या कर रहा है और इंडिया क्यों बॉदर हो रहा है इसकी वजह से, तो ये सब आप बता सकते हो. सोल्यूशन है मतलब ये प्रॉब्लम, अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम बेस्ड रिपोर्ट है, तो इस पर आपको फिर सोल्यूशन अगर दे सकते हो तो अच्छी बात है. डाय नीड ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो ठीक है, ये एक्चुअली ये जो पहले जो बैच चल रहा था टेलीग्राम पेड ग्रुप का 2020 का, तो उसमें भी हमने ये वाला दिया था, मगर इसके आंसर्स मैंने नहीं बनाए थे और मुझे लग रहा है कि ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है, इसे मैंने वापस से दिया है और इस बार इसके आंसर्स भी बना दिए हैं. बूस्टिंग सोलार मैनुफैक्चरिंग इन इंडिया, तो ये ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे हैं. इसलिए इंडियाज एनुअल रिजोल्यूशन फॉर काउंटर टेररिज्म, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. ऑब्वियसली टेररिज्म जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा हुआ है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है. और एनुअल रेजोल्यूशन इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट है. ओके, फिर इंडियाज डिवेलपमेंट एफर्ट्स इन अफगानिस्तान, ऑब्वियसली ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये जब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तब से इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये सोर्स ऑफ बॉदरेशन है कि भाई अब डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है अफगानिस्तान में वो हॉल्ट ना हो जाए अब तालिबान की वजह से, पाकिस्तान की वजह से. थ्रेट्स इन द इंडियन ओशन रीजन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मुझे तो दो साल से लग रहा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर कभी आया ही नहीं इस पर क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कैसे ना कैसे किसी न किसी फॉर्म में इस पर क्वेश्चन बना रही हूँ. अगर आप देखोगे 2020 में या 2019 में भी मैंने इंडियन ओशन रीजन पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, एसए का क्वेश्चन मैंने पूछा था, इस बार मैंने इसमें रिपोर्ट का दिया हुआ है. फिर ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राइबल्स को फॉर लॉन्ग टाइम इग्नोर किया गया है, उनके हेल्थ को इग्नोर किया गया है, और ट्राइबल्स अभी तक पूरी तरीके से हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें इंटीग्रेट या एसिमिलेट नहीं हो पाए हैं, तो इसमें आपको स्टेटस देना. और ये इससे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट में
एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, एक इनिशिएटिव लिया है, तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, एक बार आप रिसर्च कर लेना. ओके, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एसे क्वेश्चन का भी, आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन का भी और रिपोर्ट क्वेश्चन का भी. ओके, आप कंटेंट बिल्डअप करो, आंसर्स आपको एक महीने बाद मिलेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.